आपने बचपन में मेले और बाजार तो बहुत देखे होंगे और घूमा भी होगा, मगर गधों का मेला आपने शायद ही पहले कभी कहीं देखा हो या सुना हो। जी हाँ, भले ही आप इस मेले या बाजार के बारे में पहली बार सुन रहे हों, लेकिन गधों का ये मेला उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट में हर साल लगता है। अब मेला लगा है तो खास तो होगा ही, चाहे गधों का ही क्यों ना हो। मेले का सवाल है, मैं उनके कमेटी के अध्यक्ष से अभी मिला और पहले भी मैंने 3 दिन पहले मेला की व्यवस्था देखी थी। अभी तक का जो आंकड़ा है इनका, 400 से 500 के बीच में ही गधे घोड़े खच्चर आ पाए हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं उनकी जगह जगह इनके लिए पानी और उनके मालिकों द्वारा भूसा चारा की व्यवस्था है। ग्राहक आ रहे हैं, जो भी घोड़े गधे खच्चर जो उनके अनुरूप उनके मूल्य के आधार पर उनका अवलोकन और निर्धारण किया जा रहा है। अभी तक का जो हाईएस्ट रेट में जो खच्चर एक बिका है वो घोड़ी थी, खच्चर थी फीमेल है, जिसको कि 41,000 रुपये में एक व्यापारी ने खरीदा है। सर, जिस तरह से ऐतिहासिक मेला है और धीरे धीरे ये कमता जा रहा है, तो क्या इसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी जगह का कि परमानेंट वहाँ लग सके मेला और इस मेले के लिए कोई स्थान चिन्हित कर? ये इसको अभी तक तो परंपरागत जो नदी के किनारे माया मंदाकिनी माता नदी के किनारे ये मेला लग रहा है। रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि कमियां क्यों आ रही, कमियां इसलिए आ रही कि आजकल जो है ट्रैक्टर बस ट्रॉली मोटर वाहन पहले भी थे अभी, लेकिन अब बहुतायत पे हो गए, इसलिए इनकी उपलब्धता या फिर इनकी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूर दराज के एरिया में अभी भी इनका उपयोग होगा। हाँ, कमी आई है, कमी का कारण मैंने आपको बता दिया। वर्षों से चला आ रहा ये ऐतिहासिक मेला दीपावली के अवसर पर लगता है, जो दीप दान के बाद 3 दिनों तक चलता है। मेले में अलग अलग प्रदेशों से व्यापारी खच्चर गधे लेकर चित्रकूट पहुंचते हैं। यहां खच्चरों और गधों की बोली लगाई जाती है। इस मेले में खरीदारों के साथ साथ मेला घूमने वालों की भी भारी भीड़ होती है। बहुत बाप दादे गुजर गए हम लोग के आते आते, कई पीढ़ी हो गई हम लोग हमेशा। कितने घोड़े लेके आए? अब यहाँ पे आप भी देखो, यहाँ से अब पूरा हम लोगों की बिरादर है, सब पड़े हैं। अभी बिके नहीं, अभी नहीं बिके। हाँ, तो मैं भी तो बता, अभी नहीं बिके, बिकने वाले हैं। क्या बिक्री कम हो रही है क्या? हाँ, कम हो रही है। क्या जाने, अब सब सरकार ने बना दिया साधन, इसलिए घोड़े खच्चरों का अब ये खत्म हो रहा है, व्यापार अब ये खत्म हो रहा है। हम लोग को कोई धंधा भी नहीं सरकार दे रहा कि हम लोग भी जिए खाएं। हाँ, सब वो टूट ले लेते हैं और ऐसे ही बना के ले जाते हैं, गरीबों को कोई सूचना नहीं है। घोड़े इससे कितनी बचत हो जाती है? अब क्या बचत, किसी में 2,000, किसी में 3,000, ये 3 साल सेवा करते हैं तो 2-3 हजार मिल जाता है, और क्या मिलता। इस मेले की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी, तब से लेकर आज तक ये बाजार लगातार हर साल लगता चला आ रहा है। लोगों का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब की सेना में जब रसद और असलहा ढोने वालों की कमी हो गई थी, तब पूरे क्षेत्र से खच्चरों और गधों के मालिकों को इसी मैदान में एकत्रित कर उनके गधे खच्चर खरीदे गए थे। तभी से प्रारंभ हुआ मेले का यह सिलसिला आज भी जारी है।